अस्सलाम वालेकुम। पिछले तमाम वीडियोस के अंदर आप लोगों ने ये देखा होगा कि हम किस तरह से डिफरेंट मटेरियल को इस्तेमाल करके बच्चों के लिए छोटी छोटी सरगर्मियां बना सकते हैं, जिन सरगर्मियों को क्लासरूम में इम्प्लीमेंट करके लर्निंग के प्रोसेस को बच्चों के लिए दिलचस्प बनाया जा सकता है। बहुत सारे तरीक़ेकार हैं क्लासरूम के अंदर तदरीसी मवाद को रखने के, जिनमें कि एक सिस्टम फोर लर्निंग कॉर्नर का सिस्टम है कि आप अपनी क्लासरूम के अंदर चार कॉर्नर्स के अंदर चार लर्निंग एरिया जो कि आपको इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, लैंग्वेज, न्यूमरेसी, अर्ली एक्सप्लोरेशन, पर्सनल सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, आप ये चार कॉर्नर्स डेवलप करें और उन कॉर्नर्स के अंदर इन लर्निंग एरिया के हवाले से तदरीसी मवाद को रखें। दूसरा तरीका ये होता है कि जिसको कि हमने नाम दिया है मूविंग बास्केट टेक्निक। रिसोर्स की मैनेजमेंट को बहुत हद तक मुमकिन बनाने के लिए, बहुत हद तक नीड बेस्ड बनाने के लिए और बहुत हद तक फोकस बनाने के लिए हम लोग मूविंग बास्केट टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं। इस बास्केट टेक्निक के ज़रिए क्या होता है कि हम चार लर्निंग एरियाज जो हमारे हैं, जिनमें के लैंग्वेज है, अर्ली न्यूमरेसी है, अर्ली एक्सप्लोरेशन है, पर्सनल सोशल एंड मोरल एजुकेशन है, हमने क्या किया, इन चार मुख्तलिफ लर्निंग एरियाज़ के लिए हम लोगों ने चार बास्केट्स, या अगर टीचर बास्केट उसके पास मौजूद नहीं है तो किसी भी डब्बे के ढक्कन ले सकता है, टीचर ने क्या किया उस लर्निंग एरिया के हिसाब से उस एक मखसूस दिन में बच्चों के साथ काम कराने के लिए हर बास्केट में थोड़ा थोड़ा सामान रख दिया। और वो सामान कौन सा है, वो सामान वो है जो उस टीचर के उस मखसूस हफ्ते या उस मखसूस दिन की स्कीम ऑफ स्टडी की ज़रूरत के मुताबिक है। बहुत सारा सामान नहीं है कि जिस बहुत सारे तदरीसी मवाद की मौजूदगी में खुद टीचर भी कंफ्यूज हो रहा है और बच्चे भी कंफ्यूज हो जाए, बल्कि कैलकुलेटेड सामान है जो कि नीड बेस है, ज़रूरत के मुताबिक लाया गया है और ज़रूरत के मुताबिक रखा गया है। अब क्या होगा कि टीचर ने इसमें बहुत सारा सामान रख दिया है जो कि उसकी नीड के मुताबिक है। हम आपको आज सिर्फ ये बताएंगे इसके अंदर कि इस बास्केट में किस किस नौयत का सामान रखा जा सकता है, बाकी ये सामान इस्तेमाल कैसे होगा ये टीचर अपनी स्कीम ऑफ स्टडी और ख़ुद अपनी क्रिएटिव थिंकिंग के ज़रिए इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमारे पास लैंग्वेज की बास्केट का थोड़ा सा सामान मौजूद है। अब इस सामान के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे हमने लेटर्स की बुक बनाई है, लेटर्स की बुक है, बच्चे को अगर आपने लेटर ए इंट्रोड्यूस करवाया है तो बच्चे को आप ये बुक दें, इसमें आप देखें ए की आइडेंटिफिकेशन है, लेटर ए को तलाश करने की एक्टिविटी है, बच्चा जो है इस लेटर के ऊपर अपना फिंगर इस्तेमाल करेगा, ए से शुरू होने वाली चीज़ों की तस्वीर है। तो इस किस्म की बास्केट, जैसे हमने बुक बताई आपको, ये एक बुक है, ये बी की बुक है, इसके अलावा अखबार से टीचर डिफरेंट तस्वीरें काट सकता है, देखें अखबार से कटी हुई तस्वीर है जिसमें के मुख्तलिफ एक्शंस हो रहे हैं, टीचर ने वो सामान रख दिया। स्टोरी टेलिंग के फ्लैश कार्ड्स हैं, टीचर ने स्टोरी टेलिंग के फ्लैश कार्ड्स रख लिए उसके अंदर, कुछ वर्ड्स कार्ड हैं जिनके ज़रिए सिचुएशन टेलिंग और स्टोरी टेलिंग हो सकती है, कुछ प्रॉप्स हैं जो कि उस मखसूस लेटर जो कि पढ़ाया जा रहा है उन लेटर से रिलेट वो प्रॉप्स हैं, टीचर वो प्रॉप्स बना के रख सकता है। हर टीचर को अपनी बास्केट को प्लान, अपने लर्निंग एरिया की बास्केट को प्लान करना होगा कि उसको कौन कौन सा सामान उसमें रखना है। ये देखिए इसमें थोड़ी सी राइटिंग एक्टिविटीज़ भी हमने डाल दी हैं, ख ड
ए, ये देखें इसके अंदर राइटिंग की प्रैक्टिसेस की भी चीज़ें हैं। एक ये भी हमने इसमें दिलचस्प चीज़ डाली है, अगर टीचर लेटर रिकग्निशन करवा रहा है तो आप ये देखें कि इसके अंदर ये लेटर के कार्टून्स और उनकी पपिट्स हैं यहाँ पे। और ये देखें इसके अंदर क्या है, लेटर्स हैं। अखबार को रोल कर करके, पुराने अखबारों को रोल करके इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, लेटर्स लिख के रख दिए। अब क्या होगा, होगा ये कि जब एक बास्केट, मिसाल के तौर पे चार बच्चों के ग्रुप में लैंग्वेज की बास्केट आ गई है, अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बच्चे उस लैंग्वेज में की बास्केट में मौजूद जितना भी सामान है वो सामान के साथ अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। बिल्कुल वो अपनी मर्जी से खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टीचर का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर ज़रूर जाए ग्रुप में, बच्चों के साथ बैठे, उनसे पूछे कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, आपको उसमें क्या नज़र आ रहा है, कितने आदमी हैं, उन्होंने किस कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये कौन सा गेम खेल रहे हैं। आपने कभी ये गेम खेला है, कभी आपने ये गेम टीवी में देखा है। बच्चों के साथ बात करना, बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना, ये पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन बच्चों के साथ करना। तो टीचर का काम यहाँ पे फिर उस वक्त ये होगा कि जब मूविंग बास्केट टेक्निक के ज़रिए हर ग्रुप अपनी मखसूस लर्निंग एरिया के बास्केट के साथ काम कर रहा है, तो टीचर वहाँ पे बच्चों के साथ जाता है, बैठता है, बात करता है, टाइम स्पेंड करता है और इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि बच्चे लर्निंग के प्रोसेस में एक मुनज्जम तरीके से इन्वॉल्व हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये एक लेटर है। अब टीचर ने बच्चे को कहा कि आप बता सकते हैं कि ये लेटर क्या है, क्या हम इन चीज़ों को यूज़ करके इस लेटर का हम लोग कार्टून बना सकते हैं। अब आप ये देखें, ये सारा मटेरियल जो इसके अंदर है, ये मटेरियल कोई डेकोरेटिव मटेरियल नहीं है, कोई क्लासरूम को डेकोरेट करने का मटेरियल नहीं है। ये कैसा मटेरियल है जिसके साथ बच्चा इंटरेक्ट करेगा, ठीक है ना, बच्चे से के साथ मिलके आप इस लेटर को और इसके डिफरेंट जो हिस्से हैं उनको मिलाते हुए टीचर बच्चों के साथ एक कार्टून बनवा सकते हैं। तो ये क्या है कि जितना भी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है, जो एक मखसूस ग्रुप में काम किया जा रहा है, हर मटेरियल के साथ बच्चा खुद भी इंटरेक्ट कर रहा है और टीचर भी बच्चे को इन्वॉल्व कर रहा है कि वो उस मटेरियल के साथ मीनिंगफुल तरीके से काम करे। अभी आप लोगों ने लैंग्वेज की बास्केट का सामान देखा और आपने उसमें देखा कि उसमें डिफरेंट नौयत का सामान रखा था जो एक मखसूस स्कीम ऑफ स्टडी की नीड को पूरा करता है। मतलब ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि लैंग्वेज की उस बास्केट के अंदर हमेशा वही सामान रहे, नहीं, टीचर्स को सामान को तब्दील करना है अपने स्कीम ऑफ स्टडी और बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उसमें नए से नया सामान ला के रखना है ताकि इन बास्केट्स के हवाले से दिलचस्पी कायम रह सके। अब हम आपसे थोड़ा सा शेयर करेंगे कि हम अर्ली एक्सप्लोरेशन की बास्केट में क्या सामान रख सकते हैं। अर्ली एक्सप्लोरेशन की बास्केट में भी आप लोग देख सकते हैं कि किसी किस्म का भी कोई ऐसा मटीरियल नहीं है जिसका पर्पस सिर्फ महज क्लासरूम की डेकोरेशन से हो, बल्कि जो भी मटीरियल यहाँ मौजूद है वो बहुत इंटरेक्टिव किस्म का मटीरियल है। बच्चे इस मटीरियल को यूज़ करते हुए बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। और यहाँ पर भी इस बात पर जोर देना ज़रूरी है कि जिस वक्त जो भी ग्रुप अर्ली एक्सप्लोरेशन की बास्केट के साथ काम कर रहा होगा, वहाँ पे टीचर इस चीज़ को मेक श्योर करे कि वो उस ग्रुप के साथ थोड़ी देर बैठे, बच्चों के साथ थोड़ी देर काम करे, ताकि वो बच्चों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके कि उनको काम कैसे करना है। और जब भी टीचर ग्रुप वर्क के अंदर जब रिसोर्स यूज़ हो रहा हो, बच्चों के साथ जाके बैठे, तो वहाँ टीचर का काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करे और उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करे, ताकि बच्चे ये जान सकें, लर्न कर सकें कि इस पूरे मटेरियल को उन्होंने यूटिलाइज़ कैसे करना है। मैं आपको थोड़ा सा इस बास्केट में सामान जिस तरह का रखा जा सकता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, जैसे ये एक बॉक्स है, इसको हमने साउंड के लिए इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं। डिफरेंट तरह के बॉक्स हैं, बॉक्सेज हैं। आपने देखा कि पुराने पेन हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये पेन्स हैं,
हमने क्या किया है, इन तमाम पेनों को डिसअसेंबल कर दिया है, खोल दिया है, ताकि बच्चे एक्सप्लोर करें कि एक पेन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं, वो कैसे वापस लगाए जाते हैं। ये सब चीज़ें बच्चों के थिंकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर रही होती हैं। बिल्कुल लो कॉस्ट मटेरियल है जो कि इजीली अवेलेबल होता है। टीचर बहुत सारा मटेरियल अपने पास रिजर्व में ला के रख सकता है और वक्तन फवक्तन निकाल सकता है। आप ये देखें, ये बहुत सारे कॉक्स हैं, ढक्कन है, बच्चों को ये ढक्कन प्रोवाइड किए जा सकते हैं कि जिसमें से बच्चों से कहा जा सकता है कि वो बिग स्मॉल कैप्स को अलग करें या इक्वल साइज़ के कैप्स को अलग करें। इस तरह से करके वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो कैप्स हैं उनके अंदर साइज़ को वो मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी आपको कैप्स नज़र आ रहे हैं। बच्चों को कहा जा सकता है कि अच्छा, आपके ख्याल में दिस इज़ बिग, दिस इज़ बिगर, दिस इज़ बिगेस्ट। तो इस तरह से करके बिग, बिगर, बिगेस्ट का कंसेप्ट बच्चों को दिया जा सकता है। बच्चों को सिखाया जा सकता है कि वो इसके अंदर पानी डाल के या रेत डाल के वो इसके अंदर देखें कि क्या इनकी कैपेसिटी है। आप ये देखें कि पुराने कपड़े के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, पत्थर भर दिए हैं। बच्चा कंपेयर करे वेट को कि किसका वेट हल्का है, किसका ज़्यादा है। तीन को कंपेयर करे और उनको कंपेयर करने के बाद बच्चा इनको एक सीक्वेंस में रखे कि कौन सा सबसे ज़्यादा हैवी है, कौन सा उससे कम हैवी है, कौन सा उससे कम हैवी है। मुख्तलिफ किस्म के लीव्स हैं जिसके ज़रिए बच्चा लीव की शेप को, उसके टेक्सचर को, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स को, फ्रेश लीव को, ड्राई लीव को, उसके कलर्स को एक्सप्लोर कर सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि टीचर का इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। टीचर बच्चे के साथ बैठे, उससे कहे कि इस पे हाथ फेरे, आपको कैसा इसका टेक्सचर फील हो रहा है, यहाँ से कैसा टेक्सचर फील हो रहा है। इस किस्म की सारी एक्टिविटीज़, टीचर का इस किस्म का सारा इंट्रैक्शन बच्चों को कॉन्शियस बनाता है उनके इर्द गिर्द की दुनिया के हवाले से। अर्ली एक्सप्लोरेशन की बास्केट में जितना भी किस्म का मटेरियल रखा जाता है और वो जितनी वैरायटी से यूज़ किया जाता है, उसका एक बुनियादी मकसद ये भी होता है कि हम बच्चे की कॉन्शियसनेस को डेवलप करें कि उसके इर्द गिर्द में पाई जाने वाली दुनिया में कितनी तरह की वैरायटी पाई जाती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं पुराने फैब्रिक के टुकड़े हैं, बच्चे को उनका टेक्स्चर फील कराने के लिए कि वो उसके टेक्सचर को फील करें और एक्सप्लेन करें कि उनको इसके टेक्सचर और इसके टेक्सचर में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। जब बच्चा इस तरह से अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए अपनी फीलिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करता है, तो जहाँ एक तरफ बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं, उसकी कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही होती है, वहाँ दूसरी तरफ बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट पर बहुत अच्छे असरात आ रहे होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर पुराने कपड़े के टुकड़े हैं, लेंथ को मेजर करने के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। एक दूसरे से इसको मेजर करें, बिग, बिगर, बिगेस्ट के कंसेप्ट के हवाले से, या बच्चा इन टुकड़ों को इस्तेमाल कर सकता है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट के पर्पस के लिए भी इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। और बच्चा अपने अल्फाज में बता सकता है कि ये दो रोप और एक हाफ रोप के बराबर की टेबल है, जो भी उसके जितनी भी लैंग्वेज उसकी डेवलप है, एज अप्रोप्रिएट, वो उसके हिसाब से उसको एक्सप्रेस कर सकता है। इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को रखा जा सकता है। इन बॉक्सेस का क्या काम है, बच्चों को टीचर कह सकता है कि आप इस बॉक्स को खोलें, एक्सप्लोर करें इसमें क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, बॉक्स को पूरा खोलें, पूरा उसको डिसअसेंबल करें, ठीक है ना, और फिर उसके पार्ट्स को काउंट करें, या वो ये देखें कि ये कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, कितनी तरह की शेप्स इसमें पाई जाती हैं। मुख्तलिफ तरीके से इस मटेरियल को यूज़ किया जा सकता है जो कि अर्ली एक्सप्लोरेशन के बॉक्स में रखा जाता है। लैंग्वेज और अर्ली एक्सप्लोरेशन के बास्केट की तरह अर्ली न्यूमरेसी और पर्सनल सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट के बास्केट में भी बहुत से वैरायटी का सामान रखा जा सकता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें शेप्स हैं, इसमें काउंटिंग कार्ड टीचर ने बना के और कुछ काउंटिंग के लिए टीचर्स ने स्टिक्स रख दी हैं कि बच्चा
डॉट्स में काउंट करे और उतनी स्टिक्स काउंट करके उसके साथ रखे, उसको काउंटिंग की प्रैक्टिस हो। जैसे टीचर ने एक शेप रखा है, हो सकता है उसने उस वीक में उस डे ट्रायंगल पढ़ाया हो और साथ में उसने उसको डिफरेंट स्टिक्स दे दी हैं ताकि वो इस शेप को देख के यहाँ पे वो अपनी शेप को फॉर्म कर सके। इसके अलावा टीचर ने इस तरह का एक छोटा सा बेस बना के एक रिसोर्स डेवलप किया है कि बच्चा नंबर को रिकग्नाइज करेगा, यहाँ से कागज़ के उतने टुकड़े उठाएगा और यहाँ पे उसको रखेगा। ऐसा बहुत सारा मटेरियल आप मैथमेटिक्स की बास्केट के अंदर भी रख सकते हैं जो कि इसमें आसानी से जा सकता है। एक और मटेरियल जो कि बहुत इसमें अच्छे तरीके से हम बनाया गया है, आप ये देखें कि एक रस्सी है जो इजीली अवेलेबल हो जाती है हर जगह पे, उसके ऊपर एक नंबर लगा दिया गया है। टीचर बच्चे से कह सकता है कि ये नंबर को रिकग्नाइज करें और बताएं कौन सा नंबर है। जब बच्चे नंबर रिकग्नाइज कर लें तो टीचर उनको कहे कि आप उसमें इतनी ही नोट्स बनाएं। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ नंबर रिकग्निशन ही नहीं बल्कि ये नोट्स बनाने से उसकी फाइन मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। तो एक छोटा सा रिसोर्स मटेरियल है जो ईजीली बन सकता है। टीचर इस तरह का बहुत सारा मटेरियल बना के अपनी मैथमेटिक की बास्केट में रख सकता है। इसी तरह आपको पर्सनल सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट की बास्केट में बहुत सारा मटेरियल आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने इसके अंदर ये कपड़ा रखा है, आप बच्चों को कपड़ा तय करना सिखा सकते हैं कि कैसे आप कपड़े को तय करते हैं, कैसे तय करके रखते हैं। बच्चे को आप सीजर्स दे के उनसे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े कटवा के उनसे रुमाल बनवा सकते हो, उनसे कि वो रुमाल बनाए और तय करके अपना रुमाल अपने पास रखें। अभी देखिए हमने क्या किया है, कागज़ लिया है, डॉटेड लाइन से उसके ऊपर थैंक यू लिखा है। टीचर हो सकता है थैंक यू डे मनाए बच्चों के साथ और बच्चों से कहे कि अब आप अपने पेन या कलर के ज़रिए इसके ऊपर थैंक यू ट्रेस करें, यहाँ पर आप कोई भी तस्वीर बनाएं जो आप बनाना चाहते हैं और ये जाके आप अपने पेरेंट्स को दें। इसके अलावा टीचर बच्चों को छोटे छोटे रैपिंग पेपर्स को यूज़ करके छोटे छोटे गिफ्ट्स को या छोटे छोटे बॉक्सेस को कैसे रैप किया जाता है, गिफ्ट्स क्यों बनाए जाते हैं, ये क्यों दिए जाते हैं, इनकी अहमियत के बारे में बताएं। ये सारा बच्चे की पर्सनल और सोशल और मोरल डेवलपमेंट से रिलेट सारा सामान इसके अंदर मौजूद है। तो इस किस्म के बहुत सारा मटीरियल जो कि ईजीली अवेलेबल होता है घरों में, बच्चों के घरों में, टीचर्स के घरों में, वो सारा मटेरियल यूटिलाइज किया जा सकता है। आप लोगों ने देखा होगा हमने यहाँ पे कोई भी आपको एक्सपेंसिव मटेरियल नहीं दिखाया, सारा लो कॉस्ट मटेरियल है मगर उसका बहुत क्रिएटिव और वैरायटी यूज़ है। यहाँ एक बात के ऊपर दोबारा ज़ोर दे दें और अहमियत उसकी मज़ीद बयान कर दें कि जब बच्चे रिसोर्स मटीरियल के साथ काम कर रहे होंगे तो टीचर का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होगा। टीचर के लिए ज़रूरी होगा कि वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, थोड़ा सा टाइम उनके साथ बैठे और उनकी एक्टिविटी का खुद भी हिस्सा बने। इसके अलावा इन बास्केट्स के अंदर टीचर बहुत आसानी से थोड़ा थोड़ा करके नीड के साथ साथ सामान की तब्दीली कर सकता है और जैसा सामान वो रखना चाहता है चेंज करके नए से नया सामान रख सकता है। इससे बच्चों के अंदर इन बास्केट्स रिलेट क्यूरियोसिटी और दिलचस्पी हमेशा कायम रहेगी। ये था हमारा 4 basket system। आप इसको मूविंग बास्केट सिस्टम के ज़रिए से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको किसी एक जगह पे प्लेस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके कार के तहत रिसोर्स मटेरियल की मैनेजमेंट क्लासरूम में बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है टीचर के लिए।